बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इन वीडियो के माध्यम से आप श्रीराज जी श्यामा जी की मेज से मध्य चौक में जो 12,000 मंदिर है उनकी नूरी गिनती को देखते हैं। पर उससे पहले हम देखते हैं कि हम धाम दरवाजे के मंदिर से कितना चलेंगे कि हम रंग परवाली मंदिर में होंगे। उन शोभा को समझने का एक कारण ये भी है कि 28 मंदिर की फुलवाड़ी कहाँ तक आई है, उन शोभा को भी हम अपने दिल में ले रहे। तो आइए सुंदर साहब जी वो शोभा देखते हैं। तो ये देखिए, ये अपने रंग महल की बाहरी हार मंदिर और ये भीतरी हार मंदिर। तो यहाँ पर हम पहली जो चौरस हवेली है वहां तक की शोभा देखते हैं। ये देखिए मंदिरों की एक हार, दो थंबों की हार, तीन गलियां, मंदिरों की ये दूसरी हार। और इसके बाद त्रिपोलिया और पहली चौरस हवेली आनी है। तो इन मध्य गली तक की शोभा लेते हैं। तो दो मंदिर तो हो गए दोनों मंदिरों के स्थान पे, और इन त्रिपोलिया की तीन गली और डेढ़ गली ये। तो यहां से बारी हार मंदिर से लेकर इन हवेली से पहले मतलब रसोई की हवेली की हद तक अपने 6.5 मंदिर होते हैं। 6.5 गली, 6.5 मंदिर होते हैं। तो ये शोभा तो 6.5 मंदिरों की हुई रसोई की हवेली से पहले पहले तक। अब आगे हम देखेंगे रसोई की हवेली का, यानी जो अपना पहला चौरस हवेली का फिरावा है वो 104 मंदिर में आता है। दूसरा गोल फिलावा 97 में। तीसरा चौरस फिरावा जो आता है हवेली का वो 88 मंदिर में। चौथा फिरावा जो गोल हवेली का आता है वो 86 मंदिर में शोभायमान है। और ये तीसरा चौरस फिरावा 72 मंदिर में और तीसरा गोल फिरावा 70 मंदिर में। चौथा चौरस फिरावा 56 मंदिर की जगह लेता है और चौथा गोल हवेली का फिरावा 54 मंदिर की। और ये पंचमहल 23 मंदिर की जगह, पंचमहले के बाद एक गली ये जगह है 23 मंदिर की। और इसके आगे हम देखेंगे 28 मंदिर की जगह पे फुलवाड़ी, 210 मंदिर का ये पहला चौक और मध्य रंग परवाली मंदिर तक हमने 210 में से आधे करने हैं 105, तो कुल 315 का स्थान यहाँ तक हुआ। तो इन सबको जब हम गिनते हैं 6.5 और ये 8 हवेलियों, 9 मतलब जो 9 फिरावे आए हैं 104, 97, 88, 86, 72, 70, 56, 54 और ये पंचमहले की 23.5 और आगे 28 मंदिर की फुलवाड़ी और 315, ये कुल अपने मंदिर हो जाते हैं 1,000। तो इससे ये सिद्ध होता है ये शोभा कि इस 28 मंदिर की फुलवाड़ी के साथ लगते ही ये नव चौक आए हैं। तो ये शोभा तो ये हुई सुंदर। अब हम देखते हैं कि इन मध्य चौक में 12,000 मंदिर किस प्रकार से आए हैं। इन सभी नवो चौक में उसी तरह से 12,000 मंदिर आए हैं, पर शहर के मंदिर इन मध्य चौक में है। यही हमारे श्यामा जी का मंदिर रंगपरवाली मंदिर है। तो इन चौक के उन मंदिरों की नूरी गिनती को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो चौक अपना है 210 मंदिर का लंबा चौड़ा है। चारों दीवार पे 210 मंदिर है, जिनमें कोने के मंदिर हम निकाल दें क्योंकि वो बुर्ज है, और 8 बड़े दरवाजे हैं उन्हें भी निकाल दें तो अपने ये मंदिर हर दिशा में 200-200 रह जाते हैं। तो 200 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 अपने हो गए, जो कि चारों दिशाओं के मंदिर 800 वो हो गए। अब हम देखते हैं एक हवेली के मंदिर कितने आए हैं। अपने पास कितनी हवेलियां हैं, 64 हवेलियां। इन चौक में 8 की 8 कुल 64 हवेलियां आई हैं।
इन हवेली में बाहरी तरफ घेर कर 64 मंदिर पर स्थान है, जिनमें चार तो दरवाजे हो गए, तो 60 मंदिर हमने इस बाहरी हार के ले ली है। भीतरी हार में आते हैं तो चारों कोनों के ये तो हो गए कुछ, और हर दिशा में रहेंगी 11-11 मंदिर, लेकिन एक बड़ा दरवाजा होने से एक दिशा में 10 मंदिर रहेंगे, तो 43 मंदिर ये हो गए, 60 + 43, तो एक हवेली के मंदिर अपने पास हुए 103, ऐसी अपने पास 64 हवेलियां हैं। तो ये हमने 64 हवेली की गिनती देखी। अब हम जुड़ाफों के मंदिरों की गिनती करते हैं। हमारे पास 9 चौकों की 9 हारे हैं। इन चौकों को जोड़ने के लिए जुड़ाफे आते हैं, पूर्व से पश्चिम 8 की 9 हार, उत्तर से दक्षिण भी 8 की 9 हार, कुल 144 जुड़ाफे आते हैं, और एक जुड़ाफा अपना है 2 मंदिर का चौड़ा और 17 मंदिर का लंबा। ठीक मध्य मुख्य द्वार निकल आया। ये 2 मंदिर हमारे बड़े दरवाजे के हैं, तो इनके दाएं बाएं के 16-16 हमने 32 मंदिर गिनने हैं। एक जुड़ाफे में 32 मंदिर हुए और इनको हमने 144 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे 4608। तो इस तरह से हम देखेंगे चारों दिशाओं से 200-200 मंदिर लेते हैं, तो 800 मंदिर तो चारों दिशा के हुए। और और 144 जुड़ाफे को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4608 मंदिर होते हैं। इसी प्रकार से हम हवेली की शोभा देखते हैं। एक हवेली में 103 मंदिर आए हैं, तो 64 हवेली में 6592 मंदिर हुए, तो कुल अपने ये मंदिर हो जाते हैं। इन मंदिरों को हम गिनते हैं तो कुल मंदिर हो जाते हैं 800, 4608 और 6592, कुल ही अपने मंदिर हो जाते हैं 12,000। इन शोभा को एक बार वापिस से देखते हैं। चारों दिशाओं में 210 मंदिर हुए, जिसमें चारों कोनों के हम निकाल दें क्योंकि ये बुर्ज है, और 8 बड़े द्वार भी निकाल दें, तो हर दिशा में 200 मंदिर ये गिनने हैं। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और हम देखेंगे कि ये जो अपने पास 144 जुड़ाफे आए हैं, हर जुड़ाफे में 2 मंदिर का चौड़ा और 17 मंदिर का लंबा है, जिनमें एक मंदिर, ये देखिए ये 2 मंदिर अपने हो गए जुड़ाफे के, ये 2 जुड़े हुए मंदिर हो गए द्वार के, तब जुड़ाफा अपना 2 मंदिर का चौड़ा और 16 मंदिर का रह जाता है, तो 32 मंदिर एक जुड़ाफे के, ऐसे अपने पास 144 जुड़ाफे हैं, तो 32 को 144 से मल्टीप्लाई करना है। एक हवेली की शोभा देखते हैं। बाहरी हार मंदिर में 64 मंदिर का स्थान है, 4 बड़े दरवाजे निकल गए, तो ये हो गए 60 मंदिर। इन भीतरी दीवार में देखते हैं मंदिरों की, तो चारों कोनों के 2 पुर्ज है और हर दिशा में 11-11, लेकिन एक द्वार होने से 43, तो हवेलियों के होके 103, इनको हम 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये टोटल हमारी गिनती आ जाएगी 12,000।